हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. मैं हूं मनीष मिश्रा एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ पीआईबी एनालिसिस. इन दिस सेशन गाइस, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑनलाइन ऑडिट सिस्टम ऑफ ग्राम पंचायत, अबाउट द इनसैट एग्जाम दैट वाज कंडक्टेड रिसेंटली अंडर द स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम, एंड ऑल्सो अबाउट द स्मॉल सेविंग स्कीम्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस. ऑलराइट, सो कीप वॉचिंग द कंप्लीट सेशन, एंड एट द लास्ट ऑफ द सेशन आई विल ब्रिंग टू यू क्विज. ओके, जो कि फ्राइडे को होनी थी, बट फ्राइडे को ड्यू टू सम रीजन इट वाज नॉट कंडक्टेड. सो इन टुडे सेशन आई विल ब्रिंग टू यू क्विज इन द फॉर्म ऑफ 5 क्वेश्चंस. ओके, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1. अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, द कलर ऑफ वाटर इन लोनार लेक इन महाराष्ट्र टर्न्ड पिंक ड्यू टू अ लार्ज प्रेजेंस ऑफ द सॉल्ट लविंग हेलो आर्किया माइक्रोब्स, विच इज नॉट वन ऑफ द रीजंस फॉर फैसिलिटेटिंग द ग्रोथ ऑफ दीज माइक्रोब्स. राइट, सो रिसेंटली एक स्टडी आई है जिसमें एक महाराष्ट्र में लेक है जिसका नाम है लोनार लेक. उसको वो पिंक हो गई है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ माइक्रो बैक्टीरिया जिसका नाम है हेलो आर्किया. तो हमें बताना है कि उनकी जो ये ग्रोथ है हेलो आर्किया की, उसमें से क्या इसका एक रीजन नहीं है. राइट, सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट दिस गाइस. सो रिसेंटली महाराष्ट्र में प्रेजेंटेड लोनार लेक जो है वो पिंक कलर की हो गई है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द लोनार लेक जो कि पिंक में कन्वर्ट हो गई है. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ गाइस हेलो आर्किया माइक्रोब्स. ये हेलो आर्किया माइक्रोब्स की वजह से हुआ है जो कि पिंक पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं व्हेन दे गेट द फेवरेबल कंडीशंस. जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है सो दे प्रोड्यूस पिंक पिगमेंट. और जनरली ये जो होते हैं ये कहाँ पे मिलते हैं, ऐसे पानी में मिलते हैं जो कि सैचुरेटेड होता है विद सॉल्ट, यानी कि जहाँ पे सेलाइनिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है. ऑलराइट, सेलाइनिटी जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे ये वाले बैक्टीरिया हमें मिलेंगे जिनका नाम है हेलो आर्किया. Right, and they produces pink pigment whenever they get the favorable conditions. Now, if we talk about the reasons for their growth, guys, so according to this report, there are 3 reasons जिसकी वजह से इस microbe का growth हुआ है. Number 1 is absence of rain. Number 3 less. Number 2 less human interference. And number 3 is high temperature. So, इन तीनों reasons की वजह से एक common चीज हो रही है, and that is evaporation is increasing. Alright, evaporation is increasing because of these 3 reasons, and since evaporation is increasing so therefore salinity is also increasing. Right, jo salinity hai wo bhi kya ho jayegi, increase ho jayegi, and salinity is one of the favorable condition for the growth of these microbes. Right, so these 3 reasons, because of these 3 reasons evaporation of water is increasing and salinity therefore is also increasing, which led to the growth of hello archaea microbes in that lake. Okay, now if we talk about the more details, so guys, these hello archaea microbe produces a pink pigment forming a pink color mat on the water, and this color change, guys, remember, is not permanent. जैसे ही वो favorable conditions खत्म हो जाएंगी, जब वो unfavorable conditions में convert हो जाएंगी, then this pink color will get disappeared. Okay, ये पूरा का पूरा जो pink color है ये गायब हो जाएगा because of those unfavorable condition. Right, and according to this report, guys, ये जो हुआ है, ये जो pink color हुआ है, ये because of the बायोमास ऑफ दीज हेलो आर्किया बैक्टीरिया की वजह से हुआ है. इट वॉज द बायोमास ऑफ दीज माइक्रोब्स दैट टर्न द सर्फेस ऑफ द वॉटर रेड और पिंक. सो गाइज, आई होप आपको हेलो आर्किया माइक्रोब्स का जो पिंक कलर का जो रीजन है वो क्लियर है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन वॉज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रीजन फॉर फैसिलिटेटिंग द ग्रोथ ऑफ दीज माइक्रोब्स. सो हैवी रेनफॉल, नो गाइज, हैवी रेनफॉल नहीं था, बल्कि लेस रेनफॉल था. Less human interference is the reason. High temperature is the reason. So therefore, the correct answer is what, guys? Option B, only one. Heavy rainfall is not one of the reason. In fact, the correct reason to this is less rainfall, which leads to more evaporation. And jiski wajah se kya hota hai? Salinity increase ho jati hai. Now let's move on to question number 2. People living in villages will now be able to get the same post office savings bank facilities which people in urban areas have been availing. They'll be able to deposit their savings into these popular schemes through the post office in their village itself. These are the new schemes which are extended to the branch post office, except इनमें से क्या branch post office में extend नहीं किया गया है. So recently, guys, जो हमारा postal department है उन्होंने क्या किया है कि जो उनके small savings schemes हैं उनको extend कर दिया है to the branch post office. Alright, कहाँ पे extend कर दिया है? They have been extended to the branch पोस्ट ऑफिस इन द रूरल एरियाज. और ये जो हमारा ब्रांच पोस्ट ऑफिस होता है दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. राइट, दिस इज गाइज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट. रिमेंबर दिस थिंग, ये पोस्टल डिपार्टमेंट का क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है. तो पोस्टल डिपार्टमेंट ने अपने स्मॉलेस्ट यूनिट तक
अपनी स्मॉल सेविंग स्कीम्स को पहुंचा दिया है सो दैट नाउ द रूरल पीपल कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड थ्रू दीज स्मॉल सेविंग स्कीम्स. ऑलराइट, एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्मॉल सेविंग स्कीम, सो देर आर वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम लाइक PPF है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, किसान विकास पत्र है, इसके अलावा गाइस सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है, एंड इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट जो होता है वो भी काफी अच्छा होता है. अभी कोविड की वजह से इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने कम कर रखा है, बट स्टिल इट इज मोर देन एनी अदर टाइप ऑफ सेविंग स्कीम. लाइक PPF पे इट इज 7.1% इज द करंट रेट ऑफ रिटर्न. NSC पे मिल रहा है गाइस 6.8%, किसान विकास पत्र पे 6.9, सबसे ज्यादा सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पे मिल रहा है, दैट इज 7.6%. राइट, सो दीज आर सम सेविंग स्कीम जो कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू हमें दी जाती है, एंड नाउ जो कि पहले अर्बन एरियाज में ही अवेल की जा सकती थी, बट नाउ दे हैव बीन एक्सटेंडेड टू द ब्रांच पोस्ट ऑफिस सो दैट द रूरल पीपल कैन ऑल्सो अवेल दीज सेविंग स्कीम्स. राइट, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द पास्ट कि अभी तक जो ये ब्रांच पोस्ट ऑफिस है इसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल थी और अब क्या क्या अवेलेबल होंगी आफ्टर दिस ऑर्डर. सो इन द पास्ट इट वॉज रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट अवेलेबल था, रिकरिंग डिपोजिट, टाइम डिपोजिट एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट. दीज फाइव सेविंग स्कीम्स वर अवेलेबल इन द ब्रांच पोस्ट ऑफिस टिल नाउ, बट नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आफ्टर द न्यू ऑर्डर PPF अवेलेबल होगा, मंथली इनकम स्कीम अवेलेबल होगी, NSC अवेलेबल होगा, किसान विकास पत्र अवेलेबल होगा एंड ऑल्सो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम. सो अब इससे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है टू द पीपल इन द रूरल एरियाज. ओके, नाउ व्हाट वाज द क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन वाज दीज आर द न्यू स्कीम्स विच आर एक्सटेंडेड टू द ब्रांच पोस्ट ऑफिस एक्सेप्ट. सो देयरफॉर PPF यहाँ पे है, मंथली इनकम स्कीम आएगा, NSC आएगा, किसान विकास पत्र आएगा, PM किसान योजना इज नॉट देयर. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन सी. Now let's move on to question number 3. And guys, if you are liking the session, so please press the like button and share it. Now question number 3 is, the Ministry of HRD conducted the first ever INDSAT, Indian Scholastic Assessment Test 2020, which is designed to gauge the scholastic capability of students applying to study in India. Consider the statement with respect to INDSAT and identify the incorrect. In statements में से हमें incorrect statement बताना है about this exam. So guys, हमने ये पहले भी discuss किया था when this was announced. जब ये अनाउंस किया गया था INDSAT एग्जाम, देन ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड इट, बट नाउ इट हैज बीन कंडक्टेड, सो नाउ वी आर अगेन डिस्कसिंग इट. सो गाइस, दिस एग्जाम वाज कंडक्टेड टू डिजाइन टू गेज द स्कॉलेस्टिक कैपेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइंग टू इंडिया, स्टडी इन इंडिया. राइट, एंड दिस हैज बीन कंडक्टेड अंडर द स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. राइट, एंड जो इसमें कैंडिडेट्स अपियर हुए हैं बहुत सारी कंट्रीज से हुए हैं. यू मस्ट नॉट रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल दीज कंट्रीज, लाइक नेपाल है, इथियोपिया है, बांग्लादेश, भूटान, युगांडा, तंजानिया, रवांडा, श्रीलंका, सो बहुत सारे कंट्रीज है. यू मस्ट नॉट रिमेंबर ऑल द नेम्स. एंड नियरली देर वर 5,000 स्टूडेंट्स जो कि अपियर हुए थे फॉर दिस एग्जाम. ओके, और एंड दिस यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस एग्जाम हैज बीन कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. नाउ गाइज, इफ यू टॉक अबाउट द INDSAT एग्जाम, सो इट इज एन एग्जाम विच ग्रांट्स स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टू फॉरन स्टूडेंट्स फॉर स्टडिंग इन इंडियन यूनिवर्सिटीज अंडर द स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम. एंड रिसेंटली ये जो एग्जाम है ये 12 कंट्रीज में कराया गया एज अ पायलट प्रोजेक्ट. पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसको 12 कंट्रीज में कराया गया. सो इट इज एन एग्जाम टू ग्रांट स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टू फॉरेन स्टूडेंट्स फॉर स्टडिंग इन इंडिया अंडर द स्टडिंग इंडिया प्रोग्राम. एंड 12 कंट्रीज में इसको पायलट बेसिस पे शुरू किया गया है. एंड अबाउट द स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम, इफ वी से, सो इट इज अ प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ HRD, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जिसके अंदर फॉरेन स्टूडेंट्स जो है वो इंडिया आ सकते हैं पढ़ने के लिए इन द selected higher education institutions of our country. Okay, and about top 2000 students जो है इसको उनको scholarship दी जाती है, बाकी सबको fee discount दिया जाता है by the institution so that they will be attracted to our institutions, ताकि हमारा जो institutions है उनका global value है वो increase हो सके. Now अभी तक इस program के अंतर्गत जो admissions लिए गए, so in the year 2018-19 there were around 780 admissions, while in 2019-20 the admission has been increased to 3200. So काफी ज़्यादा increase हुआ है. And this program was announced in the 2019-20 budget speech. और जो budget 2020-21 था उसमें इस exam को announce किया गया. So don't confuse between this. तो ये जो program था हमारा study in India, right? Study in India जो program था ये हमारा 2019-20 के budget scheme में announce हुआ था. Study in India program was announced in the budget speech of 2019-20, while this exam INDSAT was announced in the 2020-21 budget speech, yani ki this financial year. Okay, and it has been announced that it was proposed
that this exam will be conducted in the Asian and African countries, right? Asian and African countries में इस exam को conduct कराया जाएगा. Okay, so guys, this was about the INSAT exam and the study in India. So now, what was the question? Consider the statements and identify which are the incorrect. So statement one is, it was conducted under the Study in India program. Yes, this is absolutely correct. And Study in India program was announced in 2019-20 and INSAT was announced in 2020-21. Please don't confuse between this. Now, statement two is, this exam was proposed to be held in Asian and African countries in the budget 2019-20. No, this was in the financial year 2021. So this statement is incorrect. This exam was held in 12 countries on a pilot basis. Yes, this is absolutely correct. Ye pilot basis pe 12 countries mein conduct karaya gaya. So therefore, jo hamara incorrect statement hai, that is only one statement, statement number 2. So therefore, the correct answer, guys, is what? Option B, only 2. Now let's move on to the next question. So the next question is about the Ministry of Panchayati Raj, jinhone abhi apna audit online karke ek app develop kiya hai, right? And Ministry of Panchayati Raj is headed by Narendra Singh Tomar. His Lok Sabha constituency is Morena. Okay, and Ministry of Panchayati Raj has decided to conduct an online audit of accounts of Gram Panchayat. E-audit karai jayegi Gram Panchayats ki through its application audit online during the current financial year. What is the benefit of this move? Is move ka kya benefit ho sakta hai? So guys, this question you can answer easily. Agar aapko ye pata hai ki online facility ka kya benefit hota hai, to aap easily is question ko answer kar sakte hai. Like for example, agar audit online hoga, then it will definitely facilitates accountability. It will 100% improves efficiency. Ye improve karega efficiency ko. It will save time and effort. It will strengthen the financial management. So it is clearly visible कि ये सारे के सारे जो हैं वो benefit होंगे of this move. Okay, so ये जो question है ये generally भी किया जा सकता है, इसके लिए आपको current affairs पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. So कभी-कभी exam में ऐसे questions भी आते हैं guys, and these are the bonus question. इस तरीके के question जो होते हैं bonus questions होते हैं आपके लिए exam में कि जो आप कर सकें. But yes, at the same time these questions are quite confusing also, because कभी-कभी ऐसा होता है कि there is वो एक ऐसा option दे देंगे जो कि आपको सही दिखाई देगा, बट वो सही नहीं होगा. सो यू हैव टू डिसाइड इन दैट ऑप्शन, यू हैव टू डिसाइड करेक्टली इन दैट ऑप्शन. राइट, सो दिस आंसर इज व्हाट? ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस मूव. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द न्यूज. सो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट एन ई ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ ग्राम पंचायत थ्रू दिस ऐप जिसका नाम है ऑडिट ऑनलाइन, एंड दिस इज द फर्स्ट सच एक्सरसाइज. ऐसा पहली बार होगा इन द हिस्ट्री ऑफ ग्राम पंचायत इन इंडिया. ओके, and this has been done to ensure accountability in the utilization of fund, because guys, gram panchayat mein humne dekha gaya hai ki kafi corruption hai abhi bhi, aur in future bhi mere ko lagta hai ki itni jaldi ye khatam nahi ho sakta. But yes, it is a good step jisse ki accountability increase ki ja sakegi of the, at the gram panchayat level. All right, and if we talk about the number of gram panchayats in our country, so guys, there are approximately 2.5 lakh gram panchayat. Abhi अप्रॉक्सीमेटली कितने हैं? 2.5 लाख ग्राम पंचायत हमारे देश में से, जिसमें से अराउंड 50,000 ग्राम पंचायत का ई ऑडिट किया कराया जाएगा थ्रू दिस न्यू ऐप ऑडिट ऑनलाइन. ओके, ये जो ऑडिट ऑनलाइन है इसके थ्रू अभी 50,000 ग्राम पंचायत का ऑडिट कराया जाएगा, विच इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच? 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायत. एंड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इट हैज बीन प्लान्ड दैट दिस ई ऑडिट फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल द ग्राम पंचायत अक्रॉस द कंट्री. पूरे के पूरे जितने भी ग्राम पंचायत है हमारे देश में, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख, सारे ग्राम पंचायत में ई ऑडिट सिस्टम यूज किया जाएगा फॉर द ऑडिटिंग ऑफ देयर अकाउंट स्टेटमेंट्स. राइट, सो देर आर एस्टिमेटेड 2.5 लाख जीपीज अक्रॉस द कंट्री, जिसमें से 50,000 जीपीज का अभी होगा, 20% है जो कि, एंड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ये एक्सरसाइज सभी ग्राम पंचायत में स्केल अप कर दी जाएगी. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ऑडिट ऑनलाइन, सो गाइज, इट इज एन एप्लीकेशन, इट इज एन ऐप developed as a part of Panchayat Enterprise Suite. Panchayat Enterprise Suite under E-Panchayat Mission Mode Project. एक ग्राम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत का एक ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर पूरी की पूरी ग्राम पंचायत को डिजिटल बनाने का एम है. सो इस प्रोजेक्ट के अंदर, ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के अंदर एक सुइट है जिसका नाम है पंचायत एंटरप्राइज सुइट, उसके अंतर्गत इस ऐप को डेवलप किया गया है. एंड ऑफकोर्स इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. And if we talk about, guys, the level of auditing, so जो auditing का level है वो district level पे होगा, block and village panchayat level पे होगा, and of course
अर्बन लोकल बॉडीज एंड लाइन डिपार्टमेंट लेवल पे भी होगा। सो तीन लेवल पे ऑडिटिंग की जाएगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक एंड विलेज पंचायत लेवल पे एंड अर्बन लोकल बॉडी लेवल पे। सो दीज आर द लेवल्स ऑफ ऑडिटिंग। एंड जो ये ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था ऑफकोर्स टू स्ट्रेंथन द ई गवर्नेंस इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, उसको डिजिटल बनाने के लिए, उसका जो ई गवर्नेंस है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए अक्रॉस द कंट्री। एंड इसके अंदर कुछ कोर कॉमन एप्लीकेशन है गाइस, जिसका आपने नाम सुना होगा, जिसको कलेक्टिवली हम ये बोलते हैं स्वीट। ओके, देर आर 11 कोर कॉमन एप्लीकेशन लाइक प्रिया सॉफ्ट हमने पढ़ा था, नेशनल पंचायत पोर्टल हमने पढ़ा था, नेशनल गवर्नमेंट डायरेक्टरी, LGT, ऑडिट ऑनलाइन। तो ये सारे टोटल मिला के 11 कोर कॉमन एप्लीकेशन है दैट कंस्टिट्यूट अ स्वीट अंडर द ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट। राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ दिस ई ऑडिट। ये जो ई ऑडिट है इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? सो इट विल फैसिलिटेट अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज ऑनलाइन अगर होगा तो उससे जो करप्शन है, यानी कि जो घूस वगैरह खिलाने की जो प्रक्रिया है, उसको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकेगा। इट विल इम्प्रूव एफिशिएंसी, इट विल सेव टाइम एंड एफर्ट, इट विल स्ट्रेंथन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इट विल फैसिलिटेट ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस एंड ट्रांजिशन ऑफ पेपर बेस्ड टू कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। जो हमारा जो डिजिटल बनाने का जो हमारा ड्रीम है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो फैसिलिटेट हो जाएगा, उससे उसके कंप्लीशन की तरफ ये इंक्रीज होगा। सो दीज आर गाइज सम बेनिफिट्स ऑफ ई ऑडिट एंड दीज थिंग्स। अगर इन चीज़ों को आपको गाइज याद करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बिकॉज ये सारी बहुत ही जनरल से पॉइंट है। एंड ऑफकोर्स इस तरीके के जनरल पॉइंट एग्जाम में नहीं आते, बट येस इन सम केसेस बोनस क्वेश्चन के फॉर्म में ये इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, दैट कैन बी इजिली आंसर्ड। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन वॉज, what is the benefit of this move? So we have already discussed all of the above are the benefit. Now guys, let's move on to the quiz. And today I will not give you options. आज के quiz में आपके पास options नहीं होंगे, बिना options के आपको answers type करने हैं comments में. Okay? And ये मैंने ऐसा इसलिए किया है because इससे आपकी जो memory है उसका बहुत अच्छा test हो सकेगा, because options से कभी कभी ये होता है कि हमें options मिल जाते हैं तो वो एक काफ़ी easy तरीका हो जाता है. But yes, I understand कि exam में obviously आपको options given होंगे, but इस तरीके से आपका ये है कि जो मेमोरी है उसको काफ़ी अच्छा टेस्ट किया जा सकता है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर वन, आई फर्स्ट रीड आउट ऑल द फाइव क्वेश्चंस एंड देन विल टेल यू द आंसर. ओके, विच IIT हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल कोविड डायग्नोस्टिक किट विच इज नेम्ड एज कोरोश्योर. कोरोश्योर नाम की वर्ल्ड की सबसे ज्यादा अफोर्डेबल कोविड डायग्नोस्टिक किट कौन से IIT द्वारा डेवलप की गई है? क्वेश्चन टू, विच ऑर्गेनाइजेशन को चेयर द सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर ऑफ इंडिया USA स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप? क्वेश्चन थ्री, नेम द गाइडलाइन विच वॉज रिसेंटली रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ HRD फॉर डिजिटल एजुकेशन. मिनिस्ट्री ऑफ HRD द्वारा डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी गाइडलाइन को लॉन्च किया गया? क्वेश्चन नंबर फोर, इंडियन रेलवेज पोस्ट कोविड कोच फॉर सेफ जर्नी हैज बीन डेवलप्ड एट विच प्लेस? इंडियन रेलवे का जो पोस्ट कोविड कोच है फॉर सेफ जर्नी, उसको कौन से प्लेस पे डेवलप किया गया है? एंड क्वेश्चन नंबर फाइव, ऑफकोर्स वट इज द एम ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क? सेंडाई फ्रेमवर्क का हमें एम बताना है. ओके, सो गाइज लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. नाउ लेट मी टेल यू द आंसर. सो दिस IIT इज वॉट? IIT Delhi. IIT Delhi हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड मोस्ट अफोर्डेबल कोविड डायग्नोस्टिक किट विच इज नेम्ड एज कोरोश्योर. एंड IIT Delhi वॉज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट, वॉज द फर्स्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जिसको ICMR से परमिशन मिली थी टू डेवलप सच काइंड ऑफ किट्स. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑर्गेनाइजेशन को चेयर द सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर? सो वी हैव डिस्कस्ड इट टू टाइम्स ऑलरेडी, नीति आयोग एंड USAID. नीति आयोग एंड USAID को चेयर दिस सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर ऑफ इंडिया USA स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप. नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, नेम द गाइडलाइंस विच वॉज रिसेंटली रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ HRD फॉर डिजिटल एजुकेशन. सो दिस वी हैव डिस्कस्ड इन वेरी मच डिटेल. द नेम ऑफ द गाइडलाइंस इज वॉट? प्रज्ञता गाइडलाइन, विच इज अ संस्कृत वर्ड विच इन इंग्लिश मीन्स इंटेलिजेंस. एंड क्वेश्चन नंबर फोर इज, ये जो पोस्ट कोविड कोच है, दिस हैज बिन डेवलप्ड एट रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला. येस, इट हैज बिन डेवलप्ड एट रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला. एंड गाइज, देर आर ओनली थ्री रेल कोच फैक्ट्रीज इन आर कंट्री. वन इज एट कपूरथला, वन इज एट रायबरेली, राइट, रायबरेली, एंड वन इज एट पेरम्बूर इन चेन्नई. सो देर आर थ्री कोच फैक्ट्रीज इन आर कंट्री. एंड वॉट इज द एम ऑफ द सेंडाई फ्रेमवर्क? सो सेंडाई फ्रेमवर्क वी हैव डिस्कस्ड. सेंडाई इज अ
place in Japan. It is a city in Japan, and this framework is for the time period 2015 to 2030. And Sendai framework is for disaster risk reduction. It provides the guidelines related to the disaster risk reduction. Okay, and remember one thing, that it is a non-binding agreement. Okay, so guys, this was about the quiz and this was about the session today. I hope you like it. Aapko ye session kaisa laga? Please comment karke zarur bataye. And for more updates, do subscribe our channel and press the bell icon. And for more sessions like this, do subscribe to our paid courses for RBI Grade B, SEBI and NABARD. Thank you so much for watching. Goodbye, take care and God bless.